आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन? इमरान खान ने इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए। वजीर आजम पाकिस्तान से बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक की अलग अलग मुलाकात। अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। आजाद कश्मीर में मखसूस नशस्तों के लिए पीटीआई उम्मीदवारों को 6 टिकट जारी। रफीक नैयर और पीर मजरुल हक भी नामजद। पीपल्स पार्टी नबीला अयूब, शाहीन कौसर और शाजिया अकबर को मैदान में ले आईं। नून लीग की जानिब से खवातीन की नशस्त के लिए नसीम अवानी उम्मीदवार। एलए 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। 2383 वोटर्स की जानिब से हक रायदही का इस्तेमाल। 25 जुलाई को हंगामा आरआई के 22 पोलिंग रोक दी गई थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर वजीर आजम को शो कॉज नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए, नोटिस का मतन। वजीर आजम से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। खालिद जावेद खान की मुख्तलिफ अदालती उमूर और वाटर कमीशन रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह। अदालती निजाम मौसर बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे, इमरान खान पुरअज़्म। एनसीओसी की मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत। सिंध और बलूचिस्तान में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न होने के बराबर। सिंध हुकूमत फैलाव रोकने के लिए कोशां। सिंगल डोज लगवाने वाले हवाई सफर कर सकेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट अमले के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी। वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे, असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना के बढ़ते केसेस। सिंध की सब्जी मंडियों में वैक्सीन कार्ड के बगैर दाखिले पर पाबंदी। कराची, हैदराबाद और शिकारपुर की मंडियों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। चेकिंग के बाद जाने की इजाजत है, वजीर ज़राअत इस्माइल राहू की वजाहत। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन के अदाद व शुमार में वाज़ेह फर्क। 17 अज़ला में डोज लगवाने वालों की तादाद कम, इंदराज ज्यादा। वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद को भी रजिस्टर्ड कर दिया गया, इंक्वायरी जारी। कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस मजीद 76 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 4497 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 7.53% तक पहुंच गई। तालिबान के तर्जुमान हैं, ना ही इनकी कार्रवाइयों से कोई वास्ता। अफगान हुकूमत के पाकिस्तान पर इल्जामात अफसोसनाक। अफगानिस्तान में कोई भी फेवरेट नहीं। फरीकैन मिल बैठकर अमन का रास्ता निकालें। सफीर की बेटी के बयानात और शवाहिद में तजाद है। वजीर आजम इमरान खान की अफगान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। वजीर आजम ने PP-38 में कामयाबी का क्रेडिट फिरदौस आशिक को दे दिया। इमरान खान का मौवन खसूसी पंजाब से टेलीफोनिक राबता। तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर मुबारकबाद। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध के जेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में फैसला। बगैर नंबर गाड़ियों पर मुसल्ला गार्ड्स नजर आते हैं, इस किस्म के वाकयात को रोकेंगे, मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। नजीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। SHO को जान से मारने की धमकियों के दफात शामिल। दूसरे केस में हुकूमती MPA लाहौर की मकामी अदालत में पेश। FIA की दरख्वास्त पर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरकान पंजाब असम्बली इस्तेहकाक बिल 2021 साइन से मुतसादिम करार। गवर्नर ने मुसवदा मुस्तरद करके असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भिजवा दिया।
पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर का महासरा खत्म करने का मुतालबा। हक हुदे रादियत की जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं आलमी बरादरी। भारतीय इकदाम वापसी के लिए दबाव डाले तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अमरीकी रियासत अलास्का में जलजिला शिद्दत 8.2 रिकॉर्ड। जजीरा नुमा इलाके में सुनामी की वार्निंग भी जारी। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, कई मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। बरसात का सिलसिला अगले 2 से 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।